हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे चैनल। कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट फज केक, जो कि बहुत ही डिलीशियस और इजी वे में बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको तैयार करेंगे। चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 एग। एक बाउल में मैंने इसको निकाल लिया। अब यहाँ पर 4 टीस्पून में शुगर ले रही हूँ। ये पिसी हुई चीनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सर के जार में चीनी को पीस लें। यहाँ पर मैं 4 टीस्पून ऑयल ले रही हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसमें वेनिला एसेंस लेंगे। बहुत ही इजी वे में हम इसको बनाएंगे, ताकि जिसको भी केक बनाना नहीं आता है तो वो इस तरीके से आसानी से अपने घर में केक बना सकता है। और आप इस तरीके से लेयर केक या बर्थडे केक भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें फ्लावर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप फ्लावर लिया है। कोको पाउडर ले रही हूँ मैं, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून कोको पाउडर ले रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने भर के लिए कोको पाउडर, क्योंकि चॉकलेट फज केक है इसलिए। बेकिंग पाउडर ले रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। 1/2 से भी मैंने थोड़ा सा कम ही रखा था बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाती है बीट मिक्स करने के बाद। ये देखिए गाइस, इस तरीके की कंसिस्टेंसी अगर आपकी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून मिल्क ऐड किया था इसमें। ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाए। थोड़ा अभी ठीक है ये। तो हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे 4 टीस्पून मिल्क ले रही हूँ और इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए बैटर में। ये देखिए कितना अच्छा सा शाइनिंग सा हमारा बैटर रेडी हो गया है फज केक का। और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको बताया है। इस तरीके से रिंग्स बनने लगेंगी तो आप समझ जाएं आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ्राइंग पैन में बनाएंगे। कोई ओवन, कोई भी माइक्रोवेवन हमें नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है। इसको हम ग्रीस कर रहे हैं ऑयल से। पहले पैन को हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर मैंने यहाँ पर इस पर बटर पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो जो नॉर्मल पेपर होता है वो भी आप लगा सकते हैं। बटर पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर से फिर से हम दोबारा से ऑयल ग्रीस करेंगे, ताकि हम जो केक बना रहे हैं तो वो पैन में लगे ना। इसको अच्छे तरीके से मैंने ऑयल लगा दिया था चारों तरफ से। हमें इसको बिल्कुल स्लो, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रख के इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसको बेक करना है। ये देख सकते हैं सारा बैटर मैंने पैन में ऐड कर दिया। इसको स्प्रेड कर देंगे और ढक करके हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमें स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। दस से 15 मिनट हो चुके थे तो अब हम इसको देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है ये। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमने नीचे बटर पेपर और ग्रीस भी किया था। तो मैं इसको प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ। बटर पेपर हम निकाल देंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश बनाया है बहुत ही इजी वे में। इसकी रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक चॉकलेट ले ली थी मैंने, उसको डबल बॉयलर में इसको इस तरीके से बीट कर लिया था। और ये देखिए चॉकलेट गनाश हमारा बन के रेडी हो गया था। सिर्फ हमने चॉकलेट को गर्म किया डबल बॉयलर से, और इस तरीके से हम चॉकलेट इस पर स्प्रेड कर देंगे। तो
अच्छे से मैंने चॉकलेट इस पर लगा दी है और बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही यम्मी बनके रेडी हुआ था। मैं इसको आलमंड बादाम से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी से इसको गार्निश कर सकते हैं। आप चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं, बच्चों को वो भी पसंद आती है। मैंने इसको बादाम से गार्निश किया है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई और बहुत ही यम्मी डिलीशियस और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हुई है। तो अब मैं इसको कट करूँगी और आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको चॉकलेट फज केक की रेसिपी। आप इसको आसानी से घर में बनाएं अपने बच्चों अपनी फैमिली के लिए और इन्जॉय करें। मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी थी रेसिपी। तो कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।